Separated by a point on the given number line A, B, C, D. Given number line, आपको नंबर लाइन दी हुई है एंड नंबर लाइन के ऊपर पहले एक बार बोर्ड पे देख लो, देन वी विल डू क्वेश्चन. ओके, इस नंबर लाइन पे यू नो व्हेन वी हैव जीरो ओवर, दिस इज नंबर लाइन, सपोज सपोज वी हैव जीरो ओवर हियर, राइट. इसको नोट डाउन नहीं करना, इसको रिवाइज कर लो, एक बार अंडरस्टैंड कर लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे और आपको क्वेश्चन इजी लगेगा, राइट. यू नो वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे जो हम इसके आगे जो मार्किंग होती है नंबर लाइन पे, व्हाट डू वी काउंट इट एज, इट इज 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3, दिस इज नेक्स्ट इज 0.4, दिस इज 0.5 एंड सो ऑन. यू नो ऐसे काउंटिंग होती है नंबर लाइन पे, यस यू नो इट, है ना. तो ये कहां तक जाएगा, 0.9 तक जाएगा एंड 0.9 के बाद जो नेक्स्ट टर्निंग होगी, नेक्स्ट मार्किंग होगी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज वन. पता है सबको, वेरी गुड. जहां पे आपके पास 0.10 आएगा वहां पे हम मार्क करेंगे वन. सिमिलरली जब हम वन से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग नंबर लाइन के ऊपर, वन से स्टार्ट किया, इट विल बी 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. जैसे ही आपका 10 वाला आएगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज 2. यू नो इट ना, एवरीबडी नोज इट, हाउ टू काउंट. यस वेरी गुड, वेरी गुड. तो अभी आपकी जो नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है उसमें भी आपने काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग में आपको पता है कि जीरो और वन के बीच में, जीरो और वन के बीच में आपकी जो काउंटिंग हो रही है वहां पे मेरे को बताना है कि ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. बैठ के नहीं बोलना आपने, आई विल कॉल द नेम. ओके, ए सेक्शन में से अनमोल प्लीज स्टैंड बेटा, मेरे को बताओ ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. एक्सक्यूज मी मैम, अनमोल इज एब्सेंट. ओके, वरुण दीप ए सेक्शन, वरुणदीप. हाँ जी बेटे, बताओगे ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी जो नंबर लाइन गिवन है. क्वेश्चन नंबर एब्सेंट वन, ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट करके बताओ मेरे को जीरो के बाद. जीरो पॉइंट एट, वेरी गुड. आपने काउंट किया इसको, आपकी नंबर लाइन जो शो की है उसके ऊपर दिख रहा है ये 0.8 है. वेरी गुड बेटा, सिट डाउन. देन ए के बाद आफ्टर ए काउंट करो, इट इज 0.9. फिर आपका आ रहा है 0.10 जहां पे आपको वन दिखाया जा रहा है. ठीक है, दिख रहा है ना आपको नंबर लाइन के ऊपर जहां पे आपका वन आ रहा है वो क्या दिखा रहा है, 0.10. ओके, अभी वन के बाद फिर से काउंट करना शुरू करो एंड टेल मी व्हाट दिस बी पॉइंट रिप्रेजेंट. सी सी सेक्शन मानवीर, गुड गुड मॉर्निंग बेटा. बी सेक्शन, बी पॉइंट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मॉर्निंग 1.3. 1.3. वेरी गुड, बी इज रिप्रेजेंटिंग 1.3. गुड, नाउ सिट डाउन बेटा. आफ्टर बी फिर से आपके पास पॉइंट्स जो हैं उनको काउंटिंग करो आगे एंड टू से पहले दो और लाइंस ड्रॉ कर लो. टू से पहले ना आपके पता है यहाँ पे वन और टू के बीच में कितनी लाइंस होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइंस होनी चाहिए. उसमें आई थिंक 7 लाइंस है, तो टू अपने आप ड्रॉ कर लो. ठीक है, बीच में वो प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है. टू के बाद आफ्टर टू टू लाइंस और ड्रॉ कर लो. ठीक है, तो सॉरी, टू से पहले, टू से पहले आपकी टू लाइंस और आनी चाहिए. आपको पता है ना कि वन और टू के बीच में कितनी पार्टीशंस होनी चाहिए. टू आपका तभी आएगा अगर आप यहाँ पे 1.10 शो कर रहे हो.
पता है ना सबको? ओके, तो बीच में जो मिसिंग लाइंस हैं उसको आपको ड्रॉ कर लो, इट विल रिप्रेजेंट 1.10। ओके, तो कैन यू टेल मी व्हाट दिस सी पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग? सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉइंट 0.2, यस, सबको दिख रहा है, सी इज रिप्रेजेंटिंग 2.2। ओके, देन डी पॉइंट, नाइन वेरी गुड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2.9, बिकॉज उसके इमीडिएटली बाद आपका नंबर है 3। ओके, आपको पता है कि 3 से बिल्कुल पहले वाला जो नंबर होगा वो 2.9 होगा, इसलिए अगर थोड़ी सी मार्किंग में आपको गड़बड़ लग रही है अपनी मार्किंग को ड्रॉ कर सकते हो, एंड आई थिंक 2 लाइंस इसमें और ड्रॉ करोगे तो परफेक्ट वो बन जाएगा। ठीक है बेटा, कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है इसमें? बी एक ऑप्शन इज मैचिंग, यू कैन राइट इट इन द आंसर फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट पार्ट इज 53 टेंथ्स, 53 टेंथ्स, राइट ऑन द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हाथ से उसको लिखो नोटबुक में, ये नहीं सोचना कि वो तो नोटबुक वहां पे क्वेश्चन है, हम सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन लिखो, उसको सॉल्व करो, फिर मेरे को आंसर बताओ। ओके, बी सेक्शन, पीयूष। हाँ जी बेटे, कैन यू टेल मी कि आपका जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसमें आपके पास कहाँ पे आता है ये, टेंथ प्लेस कहाँ पे आती है? कैन यू टेल मी बेटा, आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट है, आपने 6th में 5th में भी पढ़ा हुआ, छोटी क्लासेस में पढ़ा था आपने, आपके पास यहाँ पे 1s है 10s है, ठीक है, तो यहाँ पे आगे इसके क्या आती है वैल्यूज, कैन यू टेल मी? यहाँ पे 100s है, 1s 10s 100s आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कैन यू टेल मी 10th प्लेस कहाँ पे आती है? टेंथ, 100s, सुना हुआ ये नेम, सुने हुए आपने बेटा? Yes. तो आप मेरे को बता सकते हो प्लेस वैल्यू चार्ट में टेंथ्स कहाँ पे आता है और हंड्रेड्स कहाँ पे आता है? ये तो हुआ आपका वंस, ये आपका वंस हुआ, ये टेंथ्स हुआ, ये हंड्रेड्स हुआ। ओके बैठो पीयूष, प्रदीप 6B, यस यू नो इट, टेंथ्स का मतलब क्या होता है, नंबर कहाँ पे होगा? सेकंड नंबर कौन सा सेकेंड, किसके बाद और किससे पहले? वंस के बाद के बाद, इसको हम बोलते हैं टेंस, ये होती है टेंस प्लेस, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, वेरी गुड, सिट डाउन। और इसका नेक्स्ट वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं हंड्रेड्स। किसको पता है हंड्रेड्स और टेंस की प्लेसेस, रेज योर हैंड, वेरी गुड वेरी गुड, हैंड्स डाउन। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास टेबल में यहाँ पे लिखा है 5 4 7 3 राइट 4 9 ऐसे लिखा हुआ है, सपोज आपके पास प्लेस वैल्यू में, अब आप डेसिमल कहाँ पे लगाओगे? ये नंबर पूरा का पूरा लिखा हुआ है, डेसिमल कहाँ आना चाहिए आपके पास? आफ्टर ओके, आफ्टर 7, यस, यू नो व्हाई, व्हाई आफ्टर 7? बिकॉज दिस इज 5 × 100 प्लस 4 × 10 × 7 प्लस 3/10 प्लस 4/100। देखो उनकी प्लेस वैल्यू देखो कैसे चेंज हो गई, इमीडिएटली चेंज हो गई, जैसे आपने वंस को क्रॉस किया उसमें डिनोमिनेटर में 10 आ गया,
देखा आपने देखा यहाँ पे जो वेल्स टेंस 100 थे उनके साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा था, 100th place वाला 5 into 100 हो रहा है, 10th place वाला 4 into 10 हो रहा है, 1st place वाला 7 into 1 हो रहा है जिसको हम 7 लिखते हैं। जैसे ही हम 1s को क्रॉस करते हैं तो हमारे वो मल्टीप्लीकेशन नहीं चलती, हमारा डिवीजन चलता है, डिवीजन बाय 10, डिवीजन बाय 100, डिवीजन बाय 1000। ओके, तो जैसे यहाँ पे आपका ट्रांसपोजिशन हुआ वहां पे आपका यहाँ पे जो है डेसिमल लग जाता है, यहाँ पे पार्टीशन रहता है कि यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाता है। तो आपने बताया 7 के बाद आपका डेसिमल लगेगा, ओके, यू नो इट। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया आस्किंग 53 tenths इज इक्वल टू 5 ones प्लस डैश 10ths, वहां पे क्या आना चाहिए, ब्लैंक में क्या आना चाहिए? ई सेक्शन फर्स्ट चाइल्ड इज रेजिंग हिज हैंड, यस बता दो बेटा, मैम थ्री थ्री आना चाहिए, बिकॉज 53 tenths का मतलब क्या है, 53 tenths। अब सीधा क्वेश्चन बेटा है यार, 53 tenths का मतलब 53/10, लिख लो इसको, यू शुड नो, टेंथ का मतलब अपॉन टेन का मतलब 5.3, 5.3। अगर हम प्लेस वैल्यू में देखें तो प्लेस वैल्यू में हमारे पास 5 कहाँ आ रहा है, 5 हमारा यहाँ पे आ रहा है 1s की प्लेस पे, और ये आ रहा है 10s की प्लेस पे, 10s की प्लेस पे हमारा 3 आ रहा है। इसको मैच करो इसके साथ, इसमें कुछ भी आपको ऐसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, याद नहीं करने की जरूरत है, उसको प्लेस वैल्यू आपके पास सामने एक टेबल है वहीं से पता चल रहा है कि जैसे ही उसकी पोजीशन टेंथ के नीचे आएगी उसके आगे डेसिमल लग जाएगा। इज इट फाइन, यस यू नो इट ऑलरेडी, आपको नॉलेज है। मैं क्यों आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूं, ताकि आपकी गलती ना हो, इस चीज में गलती भी हो सकती है, कोई लंबा नंबर आ जाता है, टेंथ वाला भी आ जाता है, 100,000 वाला भी आ जाता है, तो गलत मिस्टेक नहीं होनी चाहिए डेसिमल लगाने में, ठीक है? डेसिमल में क्या करना है, एक पॉइंट ही तो लगाना है, अगर वो पॉइंट गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है? इसको डिटेल में लिखो, इसको 53 tenths अगर आपको आता है तो भी लिखो, ताकि आप बाकी क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो, आपको ये पता चले कि लॉजिकली वो डेसिमल वहां पे आ रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो 3 tenths है, ठीक है? तो पी का आंसर क्या हुआ इसमें, 3, ओके? एवरीबॉडी हैज नोटेड, आई एम रिपीटिंग वंस मोर, इसका आंसर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि सारे रिलेटेड है, पी का आंसर आ रहा है पी इज इक्वल टू 3, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेकेंड पार्ट इज 14.9, 14.986, राउंडेड ऑफ टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस इज डैश, फर्स्ट डेसिमल प्लेस क्या होना चाहिए यहाँ पे, 14। 14.9, इतना बड़ा नंबर है। यू नो जब आप यहाँ पे नंबर लाइन भी देखते हो तो आपके पास यहाँ पे अगर 14 है, 14.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना पास जा रहे हो, कितना पास, आप 15 के पास पास जा रहे हो, इज इट अ नॉट, यू आर गोइंग क्लोजर टू 15, इस डायरेक्शन में चलते जा रहे हो, इट इज 14.986, कितना पास है ये 15 के, कितना पास है, 14.98 समथिंग, फिफ्टीन यस, राउंड ऑफ किसको होगा ये 15 को, क्यों का आंसर होगा, दिस विल बी 15, क्यू विल बी इक्वल टू 15, बेटा किसी को डाउट है यू कैन स्टैंड एंड आस्क, हैव यू कम टू नो फ्रॉम द नंबर लाइन, अगर यहाँ पे 14.1 होता, 14.2 होता, फिर आप 14 के पास करते हैं उसको, ठीक है? जैसे वो 5 और 5 को क्रॉस करता है तो वो नेक्स्ट नंबर पे जंप हो जाता है, ओके? थर्ड वन, द फ्रैक्शन 14 2 बाय 10, 14 2 बाय 10
इज इक्वल टू कैश 14.2 14.2 14.2 यस आपको पता है. 14.02 ओके लेट मी एक्सप्लेन यू एवरीबडी लुक हियर जिसको डाउट लग रहा है. 14 का मतलब 14 टू बाई 10 का मतलब क्या है. 14 प्लस 2 बाई 10 रिमेम्बर इट. ओके इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि 0 2 आएगा या 2 आएगा. 14 प्लस 2 बाई 10 इट मीन्स यू कैन राइट इट एज 14 प्लस 0.2. कैन यू सी आपको पता है कि 2 बाई 10 इज 0.2. मैंने तो व्हाट इज दिस एड देम 14.0 में 0.2 ऐड करो जरा चेक इट कितना आता है. 14.2 यस रिमेम्बर इट. डेसिमल के क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं सोच के करने हैं रफ वर्क में उसको सॉल्व करो. नॉर्मल नंबर की एडिशन बहुत सिंपल होती है आप काउंटिंग कर लेते हो फिंगर्स पे पर डेसिमल थोड़ा सा आपको ट्रबल करता है. ध्यान से उसको देखने की उसकी पोजीशन कहाँ पे है. तो इसलिए जो बच्चे 0.2 बोल रहे थे 14.02 दैट वाज रॉन्ग. ओके सो दिस आंसर इज 14.2. राइट डाउन दिस वर्क ये आपको रफ में पता होना चाहिए. आपका जो मिक्स फ्रैक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना फ्रैक्शन के चैप्टर में बेटा. अब मिक्स फ्रैक्शन से आप डेसिमल पे कन्वर्ट हो रहे हो. ये जो डेसिमल नंबर है वो मिक्स फ्रैक्शन से ही निकल के आया है. ओके तो हम इसको स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिखेंगे फिर हमें पता चलेगा कि कहाँ पे आपका डेसिमल आ रहा है. इज इट क्लियर. ओके देन ऑप्शन इज बी. योर सेकेंड क्वेश्चन की ऑप्शन बेटा बी आ रही है इसको मार्क कर लो. यू कैन मैच ऑल द आंसर्स. पी आपके पास 3 था क्यू आपके पास 15 आया था एंड आर इज कमिंग आउट टू बी 14.2. इज इट क्लियर. कम टू थर्ड क्वेश्चन. इसके किन बच्चों ने ये चीज लिखी है एक्सप्लेनेशन कि कैसे आया डेसिमल और कैसे हमने इसको प्लस करके स्प्लिट किया. हाथ खड़े करो किस किसने लिखा है. वेरी गुड वेरी गुड. जो बच्चे लिखने से नहीं घबराते ना मैथ्स में दे स्कोर वेरी गुड मार्क्स. वेरी गुड हैंड्स डाउन. थकना नहीं लिखते लिखते ठीक है. मैथ्स की यही आपकी ब्यूटी है कि अगर मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो डोंट गेट टायर्ड ऑफ राइटिंग. ठीक है पेन को रेस्ट नहीं करवाना कि हाँ बस पेन पकड़ के बैठे हो और देखे जा रहे हो क्वेश्चन को. ठीक है चाहे रफ में उसको करो चाहे उसको फेयर में लिखो वट एवर यू लिखोगे तो आपको और दिमाग में आएगा कि अच्छा आइडियाज आएंगे हाउ टू सॉल्व. अपनी मिस्टेक पता चलेगी कि ये मैंने गलत लिखा है या ठीक लिखा है. ओके डोंट स्टॉप योर पेन. नेक्स्ट इज बेटा थर्ड क्वेश्चन. कई बच्चों को ये डेसिमल चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है. वो मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आप ये इमेजिनेशन नहीं करते हो. जो हमने रफ वर्क करना होता है ना डेसिमल के चैप्टर में उससे नहीं घबराना. आपने जितना रफ वर्क करोगे उतनी ज्यादा आपकी क्लैरिटी होगी कि डेसिमल ठीक पोजिशन पे है कि नहीं. ओके थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज यू हैव 3 मिक्स फ्रैक्शंस. ठीक है राइट डाउन इन द नोटबुक ऑल ऑफ यू. मैम डन वेट 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 सबको लिखने दो. पहले क्वेश्चन लिखो फिर उसके बारे में सोचो. हु हैव डन दे कैन रिवाइज इट एंड डोंट टेल अदर्स. ओके 11 1/2 राइट दिस इज 9 1/4 एंड दिस इज 12 1/8. 3 आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है. When converted to decimals, you have to convert it into decimals. Okay? You can write it as 7 plus 1 by 2. You can write it as 9 plus 1 by 4 or 12 plus 1 by 8. कई बच्चों को अगर मुश्किल लगती है ऐसे करने में
दे कैन कन्वर्ट इट इंटू मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो मर्जी मेथड अप्लाई करो, जो आपको इजी लगता है। इसमें आपके पास आ रहा है 15/2, यू नो इट, हाँ दिस इज कमिंग आउट टू बी 37/4 जब आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हो, पता है ना सबको। दिस इज 97/8। अगर आपने ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, उस मेथड से करना है तो उस मेथड से कर लो। ऑप्शन 15 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, सबको डिवाइड करना आता है ना डेसिमल में, ये यस वेरी गुड। जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, यू कैन डू इट, हाँ ओके। तो आपकी जो आंसर आ 1.5 7.5, मेरे को एक मिनट, लेट मी कॉल द चिल्ड्रन, आई वांट टू सी किस किस को आता है। सी सेक्शन, सुनैना, एब्सेंट ओके, सी ये काम करेंगे प्लीज बोलो सेक्शन, नानक, फर्स्ट इज कमिंग 7.5। नानक आपने सॉल्व किया है बेटा? कोई भी नहीं किया तीनों में से? अच्छा ओके, बैठो फिर, थोड़ा फास्ट करो। दोनों में से जो मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ई सेक्शन, थर्ड बेंच बॉय इन द मिडिल रो, यस। हाँ जी बेटा, दिस इज 7.5। हैव यू डन द अदर? बताओ मम्मी यस व्हाट इज कमिंग हियर? फर्स्ट चीज 7/7.5, यस, सेकंड इज 9.25, 9.25, यस, थर्ड इज 12.125, ट्वेल्व पॉइंट 125। अच्छा और सी मुझे, ऑप्शन वेट वेट वेट, अब मुझे ये बताओ कि आपने मेथड कौन सा अप्लाई किया था, ये अप्लाई किया या फिर ये अप्लाई किया, किस मेथड से निकाला है? मैम बोथ दोनों मेथड से निकाला है आपने आंसर? मैम फर्स्टली आई कन्वर्ट इन इम्प्रॉपर एंड देन डिवाइड ओके, आपने ये मेथड फॉलो किया है ना, यस दैट इज फाइन। किसी बच्चे ने इस मेथड से किया है? देन इट इज फाइन, इट्स ओके, जो आपको इजी लगता है। ओके बैठो बेटा, आंसर इज करेक्ट। अभी और बच्चों ने भी कर लिया होगा अब तक। इस रेशो हैंड जिनका आंसर मैच कर रहे हैं, 7.5, 9.25 एंड 12.125, वेरी गुड, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन बेटा। टेक केयर ऑफ द डेसिमल, ओके। ये आपको ज्यादा इजी लगता है कि पूरा नंबर आपके पास बन गया और डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो, इसमें आप 37 को 4 से डिवाइड कर रहे हो। आई एम टेलिंग फॉर दोज चिल्ड्रन जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, 97 को 8 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। डिवीजन आप सबको आती है, यू नो हम डेसिमल कहाँ लगाते हैं। किसी को डाउट है कुछ, हाउ टू डिवाइड इट, हाउ टू पुट द डेसिमल? ओके गुड। अच्छा वन थिंग मोर, अब आप सेवेंथ क्लास में जाने वाले हो कुछ मंथ्स के बाद, है ना, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जैसे 1/2 होता है, वैसे मैं आपकी रिमेम्बरेंस के लिए बता रही हूँ कि वन, इसको स्टार लगा लो अपनी याद रखने के लिए, कि 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है, ये तो ओरल भी पता है सबको, यू नो इट ना, सबको पता है कि हाफ जब होता है उसको हम 0.5 बोलते हैं। तो इसीलिए इसकी तरह 1/4 और 1/8 को भी याद रख लो, ये बहुत बार आपकी चीजें यूज होंगी। जब भी आपके पास 1/8 आएगा आप लिखोगे 0.125, और 0.4 आएगा तो आप लिखोगे 0.25, ओके। अब आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में अभी जाने वाले हो, आपको पता भी होना चाहिए कि हाफ 0.5 है तो 1/4 एंड 1/8 क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अगर आप नहीं, तो आफ्टर सम टाइम यू मस्ट रिमेम्बर सच थिंग, थोड़े थोड़े अपने शॉर्टकट्स जो है ना वो याद करना शुरू करो। ये लोग मेंटल मैथ्स करते हैं, या मैंने देखा है उनकी क्विक कैलकुलेशन होती है, तो उनके लिए बता रही हूँ कि दे कैन रिमेम्बर इट ऑल्सो, कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इज इट फाइन?
चलो लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। बी ऑप्शन, यस सी ऑप्शन, यू डिड इट, ओके सी ऑप्शन है। और जिन बच्चों ने नहीं किया है प्लीज ट्राई एट होम, उसको कंप्लीट करना। ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4, 12.5 एफ सेक्शन, रबनूर, एफ सेक्शन प्रबनूर। मैम, बी ऑप्शन, ओके प्लीज वेट बेटा, कई बच्चों ने तो अभी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है। आई डोंट नो दिस इज करेक्ट और नॉट, लेट मी सी। कई बच्चे कर रहे हैं, हैव दे रेड द क्वेश्चन? एफ सेक्शन से प्रबनूर, यस हाँ जी यू आर देयर। यस कैन यू टेल मी व्हाट टू डू इन दिस क्वेश्चन बेटा? अ मैन ट्रेवल 250 किलोमीटर बाय वेरियस मीन्स, टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 250। 250 इज टोटल डिस्टेंस, राइट? ही ट्रेवल्ड 225.3 किलोमीटर बाय बस, 12.2 किलोमीटर बाय ऑटो रिक्शा एंड द रेस्ट ऑन फुट। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक? मेरे को आंसर नहीं बताना, मेरे को समझा सकते हो क्वेश्चन में क्या करना है? प्रबनूर, व्हाट टू डू इन दिस क्वेश्चन? डिवाइड डिवाइड, किसको डिवाइड करना है? डिवाइड 250 किलोमीटर विद 225.3. नो no. आप सीट पे बैठो, एक बार दोबारा क्वेश्चन को रीड वंस मोर, सिट डाउन। डी सेक्शन अरमान, हाँ जी बेटे, कैन यू टेल मी व्हाट टू डू इन दिस क्वेश्चन? टोटल डिस्टेंस आपको 250 किलोमीटर दिया हुआ है टोटल। मैम माइनस होगा, हाँ, किसको माइनस करना है बेटा? मैम 250 को मैम तो ओके सिट डाउन, सिट डाउन बेटा, बताओ फिर। डी सेक्शन थर्ड बेंच इज रेजिंग अ हैंड, दैट बॉय कैन कम फॉरवर्ड। यस गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा, कैन यू टेल मी व्हाट टू डू इन दिस? यस मैम, हाँ जी बताओ। फर्स्ट भी प्लस द डिस्टेंस कवर बाय बस एंड द ऑटो रिक्शा, वेरी गुड, देन वी सब्ट्रैक्ट दिस द सम ऑफ द डिस्टेंस बाय यस, द टोटल्स। फ्रॉम 250 टोटल से हम माइनस कर देंगे। वेरी मैम आंसर विल बी 12.5 ओके, हैव यू फाउंड किलोमीटर इट? ओके वेरी गुड, सिट डाउन, सिट डाउन बेटा। इस क्वेश्चन में हमने एडिशन भी करनी है, सब्ट्रैक्शन भी करनी है एट ए टाइम, ठीक है? सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इन दोनों का जो एडिशन हमारे पास आया है वो कितना है। सेंटेंस फॉर्म में ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट यू नो हाउ टू राइट इट, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है? अभी मैं शॉर्ट मेथड में आपको लिखवा रही हूँ कि बाय बस और बाय ऑटो का जो आपके पास डिस्टेंस है उसको हमने प्लस करना है। अब जब आपने प्लस करना है, प्लीज नोटिस कि आपने डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही लिखना है, प्लीज रिमेम्बर। अगर 12.2 की पोजीशन चेंज होगी, आपने इधर लिख दिया तो वो उसका गलत हो जाएगा। आप देख, यहाँ पे 3 डिजिट है, 1, 2, 3, तो नीचे भी 3 डिजिट होने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, राइट? आई एम डूइंग इट ओवर हियर, जिन बच्चों ने किया है प्लीज मैच करो इसके साथ। ओके जब आपने इसको ऐड किया तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? व्हेन यू एडेड इट, इट इज कमिंग आउट टू बी 237,
37.5 ठीक है, देन यू विल राइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। आपको यही सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकते हैं, इसलिए ट्राई टू राइट प्रॉपरली, यानी कि एमसीक्यू में आंसर मार्क कर दिया और हो गया काम। ट्रेवल्ड ऑन फुट आपके पास होगा 250.0 लगाओ इसको अपने आप, ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। -237.5, पॉइंट शुड बी बिलो पॉइंट, प्लीज रिमेम्बर पोजीशन। आपकी तो नोटबुक में लाइंस बनी हुई हैं, आपको केयरफुली डॉट के नीचे डॉट लगा सकते हो। नंबर्स के बीच में गैप रखो, थोड़ा दूर दूर लिखो, वन वन फिंगर की गैप पे नंबर लिखो, डेसिमल के बीच में वन फिंगर का डिस्टेंस रखो, ताकि आपको क्लियरली दिखे कहाँ पे आपकी पोजीशन है डेसिमल की। ठीक है बेटा, तो आपकी ऑप्शन इसमें आ रही है 12.5 किलोमीटर व्हेन यू सब्ट्रैक्टेड इट, सबका आ रहा है क्या? यस, ओके, 12.5 आंसर 12.5 इज द आंसर, दैट इज बी ऑप्शन। ओके मैम, हाँ देयर इज अ सेकंड मेथड आल्सो जी बताओ, किसने किया सेकंड मेथड से? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू माइनस 250 फ्रॉम 225.3 मैम, देन आल्सो माइनस फ्रॉम 12.2 मैम, द आंसर विल बी सेम। यू कैन डू इन एनी वे जो आपको इजी लगता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन, बैट ऑप्शन की कोई भी आंसर नहीं बताएगा जब तक मैं नाम नहीं बोलूंगी, बिकॉज वी वॉन्ट कि ये चैप्टर सबको आना चाहिए। ओके, व्हेन यू टेल द आंसर, आधे बच्चे तो सिर्फ आंसर ही लिख लेते हैं विदाउट नॉलेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ओके, डोंट टेल मी आंसर बाय सिटिंग ओनली, आई विल कॉल द नेम देन ओनली यू विल कम फॉरवर्ड एंड टेल मी। ओके, ई सेक्शन, अरमन कोहली, मैम, असर्शन इज 12.35 इज अ डेसिमल नंबर, इट इज ट्रू, दिख रहा है आपको, बिकॉज डेसिमल नंबर है तो बीच में हमारा पॉइंट लगा हुआ है, दिस इज ट्रू। सिट डाउन। बी सेक्शन, नीरज भाटिया, रीजन अ नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ होल एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। फॉल्स मैम, ट्रू वेट वेट वेट, लेट मी आस्क हर कि उसने फॉल्स कैसे बोला। पहले स्टेटमेंट को समझो, अ नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ होल एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड अ डेसिमल नंबर। आपने पिछले क्वेश्चन में किया था 7 1/2 किया था ना आपने, 7 1/2 वॉज 7.05 किया था ना आपने, और इसको आपने ऐसे भी लिखा था इससे पहले, मैंने जब बताया था कि इसको टू पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, 7 + 1/2, कि आपका जो डेसिमल नंबर है उसके अंदर क्या क्या है, एक होल पार्ट है और साथ में फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जो ये वाला 1/2 था ये कन्वर्ट हो गया था हमारा डेसिमल में, तो इसलिए आंसर हमारा आया था 7.5। डिड यू अंडरस्टैंड, ये किया था हमने? यस, तो अभी अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि डेसिमल आपका कहां से आया है, फ्रैक्शन से आया है। ओके, पहले वो फ्रैक्शन था जिसका डिनोमिनेटर 10 था, फिर आपके पास वो डेसिमल ऊपर आया। ओके, तो एक डेसिमल नंबर जो होता है उसके अंदर एक होल नंबर होता है, होल नंबर कौन सा? 7, और साथ में एक फ्रैक्शन होता है जिसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तभी तो वो डेसिमल नंबर बना 7.5। ठीक है, तो दिस शुड बी ट्रू और फॉल्स? मैम, ट्रू ट्रू, वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। आपका चैप्टर जो डेसिमल का बना है वो फ्रैक्शन से ही आया है, फ्रैक्शन से कनेक्टेड है। ओके,
जो आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं वो आपके वन से छोटे होते हैं डेसिमल्स, जो आपके इम्प्रॉपर हैं वो वन से ज्यादा होते हैं, ठीक है? वो आपको बाद में पता चलेगा, फिलहाल आप ये याद रखो कि एक डेसिमल नंबर के अंदर हमारे पास एक होल नंबर होता है और साथ में एक फ्रैक्शन होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑक्यूपाइंग, दिस इज देन बोथ आर ट्रू, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी ऑप्शन कौन सी आएगी? ए। ऑप्शन यस गुड, अंडरस्टैंड करके करो जो भी कर रही हो, साथ में एग्जाम्पल लिखो और अंडरस्टैंड करो टू नो द रीजन वाई ट्रू और वाई फॉल्स। एसर्शन रीजन को आपने लर्न नहीं करना कि हाँ ये स्टेटमेंट थी इसका ए आंसर था, ये स्टेटमेंट थी इसका बी आंसर था, ऐसे लर्न नहीं करना उसको, टेक एन एग्जाम्पल इन रफ एंड चेक कि आपको जज हो रहा है प्रॉपरली या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, एसर्शन 65023 अपॉन 1000, 65023 अपॉन 1000 मैं इज अ डेसिमल फ्रैक्शन, बी ट्रू ट्रू। ट्रू वेरी गुड, आपने किया हुआ ये, दिस इज ट्रू, इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। बिकॉज इट कैन बी कन्वर्ट इन डेसिमल. यस, क्योंकि नीचे 1000 है तो वो डेसिमल में इजिली कन्वर्ट हो पाएगा और इट इज ट्रू। रीजन डी सेक्शन से सहज कम फॉरवर्ड, डी सेक्शन। यस बेटा, मॉड्यूल कहाँ है आपका? मॉड्यूल लेके आओ ना, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। डी पा इसका सेकेंड का रीजन रीड कर रही हूं मैं, फ्रैक्शनल नंबर विद डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 एटसेट्रा आर रेफर टू एज डेसिमल फ्रैक्शंस। ऑप्शन ट्रू, दिस यस इज ट्रू ना, ओके, द सेकेंड इज ऑल्सो, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, सो इट विल बी अगेन ए ऑप्शन, बोथ आर रिलेटेड। वेरी गुड, सो डाउन बेटा, सिट डाउन। थर्ड क्वेश्चन, एफ सेक्शन से किटेन कम फॉरवर्ड, एफ सेक्शन किटेन आ गया बेटा। आई एम रीडिंग द रीजन, इन द डेसिमल नंबर 257 1.93, ध्यान से नंबर को देखो, एसर्शन की बात कर रहे हैं हम, नंबर है आपके पास 257 1.93, किस नंबर के अंदर 9 इज एट 10th प्लेस? नो कितने बताएगा मेरे को? दोबारा से आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, सी इट केयरफुली, ये जो नंबर आपके पास मॉड्यूल में लिखा हुआ है इसके बाद कॉमा डालो, पुट कॉमा एवरीवन, के बाद कॉमा डालो और वहां पे देखो 9 इज एट 10th प्लेस, रीड करो जरा, इज इट ऑल राइट? यस नो, कितने ने बोला नो है ना, यस ओके, कैन यू टेल मी कि 10th प्लेस होती कौन सी है, कहाँ पे होती है आपकी प्लेस वैल्यू चार्ट में, 10th प्लेस कहाँ पे होती है? सपोज मैं यहाँ पे बनाती हूँ प्लेस वैल्यू चार्ट, कैन यू टेल मी वेयर इज इट? यहाँ पे आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट है, ओके, ये वंस है, ये टेंस है, कैन यू टेल मी कि टेंस कहाँ पे होती है? ट्रू या इट इज ट्रू नाउ, कैन यू टेल मी द प्लेस ऑफ टेंस कहाँ पे है आप इस टेबल में? ऑन फर्स्ट ऑन फर्स्ट मीन्स कहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे? यहां पर ओ के बाद, इज इट? यस यस, यहाँ पे आएगी आपकी टेंस प्लेस, यहाँ पे आती है और आपका डेसिमल यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ पे पार्टीशन हो जाती है, यू नो पार्टीशन के इस साइड पे आपके पास होल नंबर होता है और यहाँ पे आपके पास डेसिमल नंबर होता है, पता है सबको?
9 इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल आपके पास है यहाँ पे 9 3। 9 3 का मतलब 9 से पहले आपका डेसिमल आ रहा है। इज इट फाइन? गुड बेटा, सिट डाउन। सो दिस इज ट्रू। ओके, रीजन प्लेस वैल्यू ऑफ द प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज 1/100। प्लीज आई एम रीडिंग वंस मोर। प्लेस वैल्यू ऑफ द प्लेस, प्लेस वैल्यू कोई भी प्लेस है आपके पास, उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल कहाँ हो गया आपका? ये पार्टीशन में आपका डेसिमल लग गया है ना, ये पार्टीशन था, यहाँ पे आपका डेसिमल लग गया। इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज 1/100। फॉल्स इमीडिएटली मैम, फॉल्स आफ्टर डेसिमल क्या होता है? 1/10। यस, दिस इज फॉल्स, राइट? रीजन इज फॉल्स। assertion is true, reason is ऑप्शन false. यस, तो आपकी ऑप्शन कौन सी आएगी? सी। C. बेटे प्लेस वैल्यू चार्ट जो है ना, अपने रफ पे बना लिया करो इमीडिएटली। आपके क्वेश्चन जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो ठीक है आप कर लेते हो, इसमें जब भी आप प्लेस वैल्यू की बात करते हो प्लीज सी छोटा सा एक रफली में फटाफट कोई भी नंबर लिख के बना के देख लो। आपको पता होना चाहिए कि हमारा वंस के बाद पार्टीशन हो जाता है और वो पार्टीशन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? डेसिमल नंबर। इज इट फाइन? फोर्थ क्वेश्चन, असर्शन 1/2 व्हेन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर विल रिजल्ट एज 0.5। मैम यस, अभी ट्रू, आपको यस बताया भी था आपको मैंने। सिमिलरली आपको प्लीज रिमेम्बर 1/4 के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन, 1/8 के बारे में भी आ सकता है, ठीक है? जो मैंने आपको स्टार लिख के बताया था कि 1/4 रिप्रेजेंट 0.25 और 1/0.8 1/8 क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लीज उसको याद रखना। ओके okay? उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। ओके okay? प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार चीज को यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल रिमेम्बर इट फॉर एवर। अभी अभी आपने इंस्टेंट मेरे को आंसर बताया, किसी ने डिवाइड नहीं किया है, मेरे को इंस्टेंट आंसर सबने बताया कि 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है। ओके, एवरीबडी नोज कि वो मिडल में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है, तो उसको 0.5 दिखाएगा। ओके बेटा, सो दिस इज ट्रू। रीजन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस व्हेन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फ्रैक्शन हैव अ होल नंबर टू द लेफ्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ट्रू। मैम ट्रू, मैम आपने पढ़ ली स्टेटमेंट, ये काफी लंबी स्टेटमेंट थी, कहीं को डाउट हो रहा होगा। आई एम रीडिंग वंस मोर, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, ध्यान से सुनो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मान लो आपके पास 3 2/3 है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस व्हेन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो? यस यस, यू नो इट, मैंने आपको बता दिया कि दिस इज 3 + 2/3, ये पूरा का पूरा नंबर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो और 3 को उसमें ऐड कर सकते हो। 3 का मतलब 3.0 प्लस जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है? यस, दिस इज ट्रू। नाउ यू हैव कम टू नो, इसमें होल पार्ट भी होता है, होल पार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, और जो डेसिमल पार्ट होता है वो राइट साइड पे होता है, ये आपको पता है। दोनों को प्लस करके हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। एवरीबडी नोज द पोजिशन, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट से भी पता है कि हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट में जब पार्टीशन होता है यहाँ पे, तो वंस और टेंस जो होते हैं वो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे होते हैं और दूसरे नंबर हमारे डेसिमल वाले राइट साइड पे होते हैं। यू नो इट, सबको पता चल गया है उनकी लोकेशन कहाँ पे है। इज इट फाइन? चलो ओके बेटा, रिवाइज दीज ऑल। यस मैम, यस, चलो ओके, बाय देन, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय मैम, बेटा, रिमेंबर टू बी हैप्पी एवरी टाइम। थैंक यू You should मैम, celebrate Children's Day every day, okay?
थैंक यू मैम। ओके।